उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। नतीजे आने के बाद नई सरकार का शपथ ग्रहण भी हो चुका है। विधायकों ने विधानसभा की सदस्यता भी ले ली है। यहां तक कि नए मंत्रियों ने विभागों के बंटवारे के बाद अपने विभाग भी संभाल लिए। पर इस सब के बीच उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में इस समय हलचल मची हुई है और कारण है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल सिंह यादव का पहले दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मिलना और फिर लखनऊ में योगी आदित्यनाथ से मुलाकात। तो नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। आपको बताते चलें कि मुलाकातों के इस दौर में सियासी गर्मी पूरे उफान पर है। सूत्रों की माने तो शिवपाल सिंह यादव अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो सकते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है बेटे आदित्य यादव का उत्तर प्रदेश की राजनीति में भविष्य सुरक्षित करना। शिवपाल के बेटे आदित्य के लिए संभावनाएं तलाश रहे हैं। अटकलें लग रही हैं कि आजमगढ़ से उपचुनाव में आदित्य भी चुनाव मैदान में उतरकर ताल ठोंक सकते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा। परंतु वर्तमान में शिवपाल की मुख्यमंत्री योगी नाथ जी से मुलाकात के बाद कईयों की नींद उड़ चुकी है। सीएम आवास पर मुख्यमंत्री व शिवपाल के बीच लगभग 25 मिनट वार्तालाप हुई। आपको बताते चलें कि अटकलें ये भी हैं कि भाजपा शिवपाल को अखिलेश यादव के इस्तीफा देने से रिक्त हुई आजमगढ़ संसदीय सीट के उपचुनाव में भी उतार सकती है। यदि ऐसा हुआ तो शिवपाल अपनी जसवंत नगर विधानसभा सीट से बेटे आदित्य यादव को उपचुनाव में भाजपा के टिकट से उतार सकते हैं। सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि इस मुलाकात का तुरंत बाद सीएम योगी ने संगठन के बड़े नेताओं को चर्चा के लिए बुलाया था और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि उन्हें भाजपा राज्यसभा भी भेज सकती है। भाजपा में जाने के कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि शारदा प्रताप शुक्ला, शिव कुमार बोरिया सहित उनके कई करीबी नेता पहले से ही भगवा खेमे में जा चुके हैं। आपको ये भी बताते चलें कि शिवपाल के भाजपा में जाने की अटकलों को इसलिए भी हवा मिल रही है क्योंकि ना तो उनकी ओर से और ना ही उनकी पार्टी की ओर से इसका खंडन किया गया है। शिवपाल ने विधायक पद की शपथ लेने के बाद मीडिया से सिर्फ इतना ही कहा, जिसे आप भी बड़े गौर से सुनिए। नहीं है, कुछ समय जब होगा तब हम आपको बुला लेंगे, सब बता देंगे। बिल्कुल, क्या होने जा रहा है? सारे समर्थक आपके तरफ देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि शिवपाल यादव क्या फैसला लेंगे। जी, सारे समर्थक का इस वक्त आपकी ओर नजरें लगाए हुए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे जरिए? मुझे कुछ नहीं कहना है, चाहे परेशान हो, जब हम प्रेस बुला लेंगे तब बोल देंगे। कल मुख्यमंत्री जी साथ थी उसमें, शिष्टाचार भेंट है। हम बुला लेंगे जब समय ठीक होगा, हम बुला लेंगे। आप राज्यसभा जा रहे हैं, इसमें सच्चाई है या नहीं? अभी हम कुछ बता ही नहीं सकते, बोल ही नहीं सकते, जब बोलेंगे तब आपको बुला लेंगे। इसमें खंडन तो नहीं कर रहे? खंडन भी कर रहे हैं। कुछ नहीं बोलना है। दिल्ली में क्या अमित शाह से करवा सकते हो? करवा सकते हो? क्यों ऐसी बातें पूछ रहे? इसकी तो कोई भरपाई नहीं हो सकती, अभी तक तो बहुत छोटे छोटे लोग जो है इधर उधर हुए। नो कमेंट, कुछ नहीं बोल रहा। चलिए ठीक है।